वो तबाह हो गए और उसके बाद फिर आ गए हारून, कारून, फिरौन, हामान। कारून हजरत मूसा के रिश्तेदार थे, कारून मौलवी साहब थे उस ज़माने के, आप उसको पोप कह दें, पादरी कह दें, कुछ कह दें, पढ़ा लिखा आदमी था। कारून उन लोगों में से था जब हजरत मूसा बहुत मशगूल होते हैं, लोग मसाइल पूछने के लिए आते तो कहते थे कारून के पास चले जाओ, उसके पास जाके पूछ लो। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने आजमाया, आजमाने के तरीके अल्लाह कहते हैं दो हैं मेरे पास। सूरह फजर जो 10वें नंबर की सूरत है कि जिसने अम्मा मुबतला हो फ़कदर अलैहि रिज़्क़हु, कि जब इंसान का अल्लाह इम्तिहान लेना चाहता है, वह अकरमहु उसको इज़्ज़त भी देता है, व नअमहु उसको नेमतें भी देता है, बड़ा खुश हो जाता है, माशाअल्लाह अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नेमतें दी तूने, बड़ी बड़ी इज़्ज़त की। लेकिन जब रिस्क में मैं कमी कर दूँ वो कहता है या अल्लाह तूने मेरी तौहीन कर दी है। तौहीन मैंने नहीं की, अपने काम करना है, काम अच्छा करेगा आदमी रिस्क अच्छा कमा लेगा, नहीं कमाएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें तौहीन का ही आजमाइश है, अल्लाह तबारक ताला आजमाइश लेता है। उनको इल्म दिया गया, फजल दिया गया, लोग उनकी तरफ रुजू करते थे, माल और दौलत उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया। जब माल और दौलत बहुत ज़्यादा हो गया तो वो पक्का कारून बन गया, बहुत बड़ा महल, बड़ी उसकी काबीना, बड़े बड़े उसके वज़रा। जिस वक़्त चलते, खुसूसन जैसे बारिश हुई है, बारिश के दिन होते तो उनके घोड़े चलते, वो पानी जो है वो इस तरफ उस तरफ चला जाता, लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते, वो बोलने वाला नहीं था। और अगर मट्टी में चलते तो हर तरफ गर्द वार होता, वो खुश होते कि देखो लोगों की हालत जो है वो क्या हो रही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, पूरा उसका महल, पूरी उसकी काबीना, सारे के सारे घोड़े, सारी की सारी उसकी दौलत, दौलत इतनी थी, कहते थे इतनी चाबियाँ थी कि एक गिरोह चाबियाँ जब उठता था तो कमर उनकी झुक जाती थी, इतनी चाबियाँ थी। लतनू बिलस्मत लड़कुआ, दी हालत थी उनकी। लेकिन हुआ क्या, वो तबाह बर्बाद हो गया, उसके जिक्र ही नहीं मिला। हारून, हामान बहुत बड़ा वज़ीर आज़म था फिरौन का, फिरौन ने कहना शुरू कर दिया रब्बुकुम अला, तो वो नील जिसकी वजह से उनकी रोटी चल रही थी, पानी चल रहा था, ज़रात होती थी, सब्ज़ा पैदा होता था, अनाज पैदा होता था, उसी नील में गर्क हो गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। हामान भी गर्क हो गया और आखिर वक्त कहने लगा कि मैं अब ईमान लाता हूँ मूसा के रब पर। लेकिन उस वक़्त जिब्रील आया, अल आन वक़्त असैत मिन कबल, अब तो ईमान लाता है जबकि इससे पहले नाफरमानी की। तो गोया कि उसको भी गोया कि क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि देखो जो गलतकार हैं, जिनमें तकब्बुर होता है, शैतान था मर्दूद बन गया, नूह की कौम तबाह हो गई, हूद की कौम तबाह हो गई, हजरत सालेह की कौम तबाह हो गई, हजरत शुआइब की कौम तबाह हो गई, हजरत लूत की कौम तबाह हो गई, हजरत मूसा की कौम तबाह हो गई। तकब्बुर करने वाले को कभी भी अल्लाह पसंद नहीं करता। यही वजह है कि अगर कोई शिर्क करता है, शिर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहें कि अल्लाह के साथ चार खुदा और भी हैं, नहीं नहीं, ये शिर्क नहीं, ये तो खैर कुफ्र है ना, सीधा का सादा, ये सीधा कुफ्र है कि अल्लाह के अलावा किसी को कहना। शिर्क का मतलब क्या होता है, शिर्क का मतलब ये होता है कि अल्लाह के जो मामलात हैं वो तो सारे के सारे किसी शख्सियत को दे दिया जाए। आपके एक मुकर्रर पढ़ते रहे हैं, नाश्ते में हम इकट्ठे हुए, मैंने कहा मौलाना बड़ी अच्छी तकरीरें थी आपकी, लेकिन जितने काम अल्लाह तबारक व ताला के थे वो सारे के सारे आपने इमाम हुसैन को दे दिए हैं। इमाम हुसैन बड़ी अजमत के मालिक है लेकिन अल्लाह के मुकाबिल नहीं। इमाम हुसैन अमीरुल मोमिनीन से भी कम दर्जा रखते हैं, फातिमा जहरा से भी कम दर्जा रखते हैं, रसूलुल्लाह से भी कम दर्जा रखते हैं, उनका तीसरा चौथा नंबर बनता है। तो अल्लाह के साथ उनको मिलाना जो है वो किसी सूरत में जो है वो ठीक नहीं है। तो ये शिर्क एक ऐसी चीज़ है, इसको भी कहा गया है तकब्बुर, कि इंसान अल्लाह को चैलेंज कर रहा है कि जो काम अल्लाह का है हम किसी और को दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूंगा। और ये कुरान मजीद में 5 दफ़ा आयत आई है, कुछ भी हो जाए शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूंगा। तो तकब्बुर, शिर्क, इससे इंसान को बचना चाहिए। इसके अलावा अगर गुनाह हो जाते हैं, खुलूस दिल से जब भी तौबा करें अल्लाह तबारक व ताला तौबा कबूल कर लेता है। खुदाया मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता हमारी ये मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। इस मुख्तसर सी